हाय स्टूडेंट जी, आईरी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में यदि डिजी लॉकर के माध्यम से कोई डाटा स्टोर करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा, इतना जो भी अभी तक हम लोग एप्लीकेशन पढ़े हैं, आज समझे ना, ये जैसे सपोज के सबसे पहले हम लोग गूगल ड्राइव पढ़े थे। गूगल ड्राइव के पास क्या पढ़े थे? वन ड्राइव पढ़े थे। और वन ड्राइव के पास हम लोग क्या पढ़े थे? मेगा ड्राइव। और मेगा के पास एक बार हम लोग पढ़े थे कौन सा? टेरा बॉक्स आप लोग बताए थे। और टेरा बॉक्स के बाद एक और आप लोग पिछली क्लास में बताए थे, हाँ, पी क्लाउड करके था। क्या था? पी क्लाउड करके। और एक और था ड्रॉप बॉक्स। क्या था? ड्रॉप बॉक्स। याद रखिए, जितना भी तक हम लोग पढ़ लिए हैं, या कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बना, किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। यानी हम ये कह सकते हैं जितना भी तक हम लोगों ने यूज किया है, या क्या है, प्राइवेट है, यानी कि गवर्नमेंटेड नहीं। आ समझे ना? लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जो वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। और एक चीज याद रखिएगा, डिजी लॉकर का इतना ज्यादा मान्य है कि इस समय अगर जो आप लोग कोई भी काम आपको करना है, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट कोई भी काम करना है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और यदि डिजी लॉकर ने उसको वेरीफाई कर दिया तो आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। आ समझे ना? अधिकांश जगह ऐसा है कि अगर आप फॉर्म भरेंगे और जो आधार कार्ड देंगे तो आधार कार्ड में कहेगा कि डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई होनी चाहिए। अरे समझे ना? यानी कि डिजी लॉकर कोई भी काम, एक चीज इसमें आप लोग देखे होंगे, जो भी लोग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, एक एबीसी कार्ड करके आ रहा हाँ, है। अरे समझे ना? वो भी किसके माध्यम से बनना है? डिजी लॉकर से ही बनना है। अरे समझे ना? और आखिर ये एबीसी कार्ड डिजी लॉकर से लाने का मतलब क्या है? तो जब हम लोग आएंगे ना डिजी लॉकर में, तो डिजी लॉकर से हम अपने हाई स्कूल का मार्क्सिट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अरे समझे ना? अब वो सर्टिफिकेट अगर जो हम लोग चाहें तो पहले हम लोग कहीं भी एडमिशन लेने जाते थे या कोई काम करने जाते थे तो सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ता था। अब अगर सिर्फ हम एबीसी कार्ड दे देंगे तो हमको सारा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं। अरे समझे ना? अब कैसे करना होगा? चलिए सबसे पहले हम आके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्या डीजी लॉकर। क्या सर्च करेंगे? डीजी लॉकर। देखिए, पहले पे दिखाई दे रहा है डीजी लॉकर में, पहले वाले ऑप्शन पे। अब जैसे हम डीजी लॉकर पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक अलग ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना? अब इसमें आपको दो चीज बगल में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन सा? तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा साइन इन, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा साइन। तो साइन इन का मतलब पता ही होगा और साइन अप का मतलब ही पता होगा। सिर्फ हम क्या किए हैं, डिजी लॉकर सर्च कर लिए हैं, और डिजी लॉकर सर्च करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, हो जाएगा ना? अगर जो नहीं हुआ फिर दोबारा आ जाइए। क्या सर्च करना होगा आपको? डिजी लॉकर। पहले पे लिंक दिखाई दे रहा है ना? अब इसी लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करें डायरेक्टली आपको इस इंटरफेस पे लेकर के आ जाए, हो जाएगा ना? अब करना क्या है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोगों को साइन अप करना होगा। क्या करना होगा? साइन अप करना होगा, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, साइन इन कर। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए, यानी कि अभी तक हम लोग जितना भी ड्राइव बना रहे थे उस ड्राइव में हम क्या कर रहे थे, जीमेल के माध्यम से लॉग इन कर रहे थे। इसके माध्यम से, जीमेल के माध्यम से लॉगिन कर रहे थे। लेकिन जब हम डिजी लॉकर पे आएंगे तो इसमें हमारा जो आधार नंबर है वह मोबाइल नंबर से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए? मोबाइल नंबर से। चलिए उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ साइन अप पे आना होगा ना, साइन अप पे आ जाए। हाँ, एक चीज इसमें एक बढ़ा दे दिया एक्स्ट्रा ऊपर में, क्या चीज, जैसा जो आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट छोटा दिख रहा है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, दिख रहा है? और यदि आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा ना? और इस वाले पे क्लिक करके क्या हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा। अब जैसे हमारे पहले कह रहा क्या, क्रिएटिंग अकाउंट फर्स्ट एंड इजी, फास्ट एंड इजी, यानी कि आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं जल्दी और आसानी से। बताओ आधार पे जो नाम है वही बताना, यस यू है ना?
सही है ना। उसके पास क्या देना होगा, डेट ऑफ बर्थ बताओ जो उसके है। एक एक है, अक्सर लोग का ज्यादा डेट ऑफ बर्थ यही होता है, एक एक है ना। मोबाइल नंबर बताओ जो आधार से रजिस्टर्ड है। ईमेल आईडी है बताओ, ईमेल आईडी। नौ सौ 37 ही है ना, 40। देखो अब आगे जब भी आप लॉग इन करने जाते एक सिक्योरिटी पिन डाला होना चाहिए, तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी पिन टाइप करें, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद फिर कहाँ क्लिक करेंगे हम, सब। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें तो जो लास्ट में ये नंबर दिया गया 4237 उसी पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी हो जाएगा ना, ओटीपी बनने फिर क्या करना होगा सब। अब क्या पूछ रहा है, आधार नंबर, यानी कि एक बार और रिपीट कर रहे हैं, याद रखिए कैसे कैसे हमने सबसे पहले बताया। डीजी लॉकर जब सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन और साइन अप, तो साइन अप पे आएंगे तो सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, हो जाएगा ना। नाम के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, और आपको 6 अंक का एक पिन क्रिएट कर लेना होगा। कितने अंक का, 6 अंक का एक पिन क्रिएट कर लेना होगा, और मोबाइल नंबर भर के, ईमेल आईडी भर के जैसे सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भर के जब सबमिट करेंगे तो क्या पूछेगा, इंटर आधार नंबर। अब यहाँ पे हम आधार नंबर भरेंगे तो आधार पे भी ओटीपी जाएगा, आधार जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। बताओ जी आधार नंबर। हाँ, 20 23 66 48। सही नहीं बता रहा है जी, देखो एक बार, 26 23 बोले हो ना। फिर क्या करना होगा यहाँ, नेक्स्ट, ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, फिर उसी पे ओटीपी जाएगा। बताओ, हाँ 100। यहाँ पे क्या करना होगा, आई एग्री करना होगा, और आई एग्री करने से फिर क्या कर लेंगे, सबमिट कर। एक बार और ओटीपी जाएगा, बताओ। बताने वाला और ओटीपी वही पुराना वाला ही, आई एग्री करके फिर क्या कर लेना होगा, सबमिट। तुम्हारा ऑलरेडी पहले से है, दे रहा है ना अकाउंट ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए यहाँ तक तो लगभग साइन अप करने का सारा स्टेप फॉलो हो जाएगा ना। यानी कि अभी तक हम लोग जितना स्टेप फॉलो करके आए हैं, आपको साइन अप करते समय यहाँ तक क्या करना, वो स्टेप फॉलो करना। अगर जो नहीं बना होता ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता बस किसका, बैंक का, और एक ऑप्शन देता साइन इन का। आज समझे ना कि आपका अकाउंट बन चुका है, आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ भी दे रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्सिट है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। यानी कि साइन अप हो चुका है, क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ आएंगे तो फिर साइन इन वाले बटन पे क्या करेंगे, आपसे पूछेगा, देखिए आपको क्या क्या देना होगा। मोबाइल नंबर दे सकते हैं, यूजर नेम दे सकते हैं, और आधार नंबर दे सकते हैं। तो बेहतर है मोबाइल नंबर भर के नेक्स्ट कर लें। यूजर नेम याद है, नहीं याद है, चलो आगे बता देते हैं कैसे बने। बताओ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बताओ, 87। हाँ 64 200। हाँ वही डालें, जिससे एक बार हम रजिस्टर्ड कर लिए ना, वही भरेंगे। फिर क्या करना होगा, तो देखिए जो 6 अंक का सिक्योरिटी पिन क्रिएट किए हैं ना, वही 6 अंक का सिक्योरिटी पिन पूछेगा। याद है जी, नहीं याद है ना, समझ लीजिए जब हम लोग साइन अप पे गए हैं ना, कहाँ गए, जब हम लोग साइन अप पे गए हैं तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन क्रिएट किए हैं ना,
क्या 6 अंक का ही होना चाहिए और ये मोबाइल नंबर 10 अंक का हो जाए कैसे? सर अगर आधार कार्ड में करेक्शन कराएंगे चेंज हो जाएगा वहां पे, चेंज आधार नंबर से अपने आप हो जब, हाँ फॉरगेट कर दे रहे हैं। अब समझ लो लोग यहाँ ध्यान दो कि अगर जो सिक्योरिटी पिन भूल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉरगेट कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। फिर कहाँ क्लिक करेंगे? फॉरगेट सिक्योरिटी पिन। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है या तो आधार नंबर बताइए या तो मोबाइल। हम मोबाइल नंबर भर लिया, बताओ जी मोबाइल नंबर। नेक्स्ट कर, टेक्निकल एरर चल रहा है जी इसके लिए, बताओ आधार नंबर। तो 34 42 23 66 48। डेट ऑफ बर्थ बताओ। फिर क्या करना होगा? नेक्स्ट। देखो देयर आर सम टेक्निकल एरर, अब इसमें टेक्निकल एरर चल रहा है जो हम फॉरगेट नहीं कर सकते इस टाइम। आज जो डाले वो वही तो किसी का रहेगा, कभी तो तुम्हारा पहले से नहीं बना है। बताओ हम पहले ही पूछे जिसका नहीं बना हो, बताओ हाँ तो बताओ, तुम ही बताओ, शुरू से ही बता दे रहे। बताओ फुल नेम क्या लिखा है उसके, उसको बताए क्या लिखा है, मीनिंग बताओ। यस यस ए यच बी ए जे डबल यस रहेगा, सही है ना? डेट ऑफ बर्थ बताओ। 25/8/2005 तुम्हारा भी है। मोबाइल नंबर बताओ। 63 87 64 61 बोले हो, हाँ 16 29 33 39। चलो ईमेल आईडी बताओ, ईमेल आईडी भरना कोई जरूरी नहीं है, है तो भर सकते, सब आज यच आगे 18 सही है। वो कह रहा है रहेगा तुमको, नहीं रहेगा शाहबाज यस लिखा है वो, हुसैन में सिर्फ यस कर दिया, उसे बनाया। चलो सिक्योरिटी पिन हम यहाँ क्रिएट कर दिया। फिर क्या करना होगा यहाँ से बताओ, ओटीपी जाएगा तुम्हारे भी नंबर। स्टेप देख रहे हैं कैसे कैसे क्या फॉलो करना है ना। आधार नंबर बताओ। 26 79 हाँ 17 10 हाँ बताओ, यही नंबर है 16 39 ओटीपी जाए 18 19 27। आई एग्री कर, फिर क्या कर लेना होगा? तुम्हारा भी तो पहले से बना हुआ। हाँ पहले से बना जरूर होगा। देखो तुम खुद देखो, सामने दिखा रहा है अकाउंट ऑलरेडी से, क्या हुआ? चल तुम्हारा पासवर्ड पता है ना, चलो समझ लो लोग उसी का लॉगिन कर लें। समझ लीजिए इसके आगे स्टेप क्या है, जब लॉगिन हो जाएगा ना तो यहाँ पे अकाउंट बन के आ जाएगा, फिर क्या करेंगे साइन। बताओ तुम अपना जो मोबाइल नंबर, दादा ओटीपी जाएगा उसी पे, पूछ लेना बताओ।
किसी के पहले से लॉगिन है जी, पासवर्ड पता है उसका ना, बताओ यहाँ आओ बताओ। 91 40 22 89 80। सिक्योरिटी पिन बताओ। ओटीपी जाएगा इस चलो ध्यान दो यहाँ पे इनका लॉगिन वो नहीं हो ही जाएगा क्या, नहीं होगा क्या थी पता है ओटीपी तो रिसेंट कर रहे हैं पता है और अब चलिए इनका वाला अकाउंट लॉगिन होके आ चुका है, हो जाएगा ना जी। अब समझ लीजिए सबसे पहले हम कहाँ गए थे लोग, डिजी लॉकर सर्च किए हैं और डिजी लॉकर सर्च करने से अकाउंट बना लेंगे और अकाउंट बनाने के बाद क्या करेंगे, हाँ लॉगिन करने के लिए भी याद रखिएगा कि जब आप आएंगे ना तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर या यूजर नेम या फिर आधार नंबर करना होगा, हो जाएगा ना। जब भर के नेक्स्ट करेंगे तब आपको वही सिक्योरिटी पिन भरना होगा और जब सिक्योरिटी पिन भर ले जाएंगे तब आपको क्या भरना होगा, ओटीपी जाएगा उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जब ओटीपी भरेंगे तब जाके आपका क्या हो पाएगा लॉगिन। इतना क्लियर है ना। अब हमको करना क्या है, इन सभी ऑप्शन के बारे में जानना है। हाँ याद रखिएगा डिजी लॉकर किसके द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा। अगर जो कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, हाई स्कूल का, इंटर का कोई भी मार्कशीट हो या कोई सर्टिफिकेट हो, तो आप यहाँ से आसानी से इशू कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम ड्राइव पे आ जाएंगे तो ड्राइव में आपको 1 GB का स्टोरेज मिलेगा, कितने जीबी का, 1 GB तक आप अपने स्कूल से रिलेटिव, अपने हेल्थ से रिलेटिव अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते, समझे ना। उसके लिए जब आएंगे तो आपको अपने एक फोल्डर पहले से बना हुआ रहेगा जो ये बना करके दिया, यदि आप बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं और नहीं तो इसी में किसी को ओपन करिए और जब ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या अपलोड, क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा आप उसको सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अगर हम इसी को अपलोड करना चाहते हैं सेलेक्ट करके क्या कर लिए, हाँ लेकिन याद रखिएगा ये जो डिजी लॉकर है ज्यादातर फोटो पर्सनल अपलोड करने के लिए नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट समझ रहे हैं ना, एजुकेशन से रिलेटिव हो, हेल्थ से रिलेटिव हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, यदि आप अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड करके रख सकते, हो जाएगा ना। उसके बाद से देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्या, होम में जब आएंगे तो इन्होंने इशू कर लिया लगभग इतना डॉक्यूमेंट, दिख रहा है ना क्या क्या इशू किए हैं, सबसे पहले आधार कार्ड इशू कर लिए हैं, फिर क्या इशू किए हैं, हाई स्कूल का मार्कशीट, उसके बाद से इंटर का, ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद से पैन, और पैन के आगे आएंगे कौन सा, नेशनल हेल्थ आईडी। डिजी लॉकर का एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए अब ये कितना इशू का दिख रहा है ना, अब आप सोच रहे नहीं हमको इशू करना है, या अगर जब आप यहाँ पे आएंगे तो इशू डॉक्यूमेंट भी दिख जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू है दिख रहा है ना। अगर जो ओपन करना है देखिए, अगर हम मार्कशीट ही ओपन कर दें यहाँ से, जैसे क्लिक किया तो मार्कशीट हमारा क्या हो जाएगा, अब जिस पे ये डिजी लॉकर कैसे वेरीफाई का सिंबल लग गया है, आया समझे ना। तो याद रखिएगा दूसरा कहीं भी जाएंगे, मान्य हो या ना हो दूसरा कोई सर्टिफिकेट, लेकिन जहां डिजी लॉकर ने वेरीफाई कर दिया वो जरूर मान, आया समझे ना। अगर जो कहीं भी आप किसी काम के लिए दे रहे अपना मार्कशीट नहीं हो रहा है तो यहाँ से डिजी लॉकर से डाउनलोड करिए, दे दीजिए 100% वो मान्य होगा, आया समझे ना। चलिए फिर बैक आ जाते हैं, अब हमको इशू करना कोई डॉक्यूमेंट तो कैसे इशू करेंगे, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सर्च। जब सर्च डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो आपको आपको जो सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो गवर्नमेंट ने इशू किया है आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सर्च कर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैन वेरिफिकेशन के लिए दिया है या कोविड वैक्सीन वाला दिया है, लगा था जी तुमको। चलिए हम आगे, ये अभी इशू नहीं हुआ है ना, हम आ जाएंगे यहाँ पे
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक। अब देखिए उसका बेनिफिशियरी आईडी पूछ रहा है, याद है जो लगवाने जाते हैं ना, जिसका एक आईडी देते हैं सर, छोटा सा कागज पे लिख कर, आज समझे ना। अब वो आईडी रहेगा भर के, यहाँ से क्या कर लेंगे, गेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट निकल जाए। अगर जो आपको हाई स्कूल का ही मार्कशीट चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्लास टेंथ मार्कशीट के लिए, जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपसे सबसे पहले पूछेगा उसका रोल नंबर बताइए, आज समझे ना। तो रोल नंबर लगो सबको याद होगा ना, अपना अपना याद है, यानी कि सब यहाँ से दूसरे किसी का नहीं आएगा, सिर्फ उन्हीं का आएगा जिनका ये डॉक्यूमेंट क्या किए हैं, आईडी लॉगिन किए हैं। अब जैसे आए पूछ रहा है किस स्टेट का, स्टेट कौन सा है जी, यूपी बोर्ड से दिए थे ना, देखो यहाँ दिया है यूपी स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल उत्तर प्रदेश, यही वाला है ना, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, क्या पूछ रहा है रोल नंबर, रोल नंबर बताएंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे किस ईयर में पास हुए थे। अब जैसा हम ओके करेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, रोल नंबर याद है। चलो एक बार नहीं हो तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, इशू डॉक्यूमेंट, इशू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आ, ये वाला है ना, देखो दिया कितना 3157,400 सर्च पे आ गए, फिर कहाँ चले गए, टेंथ का जो चाहिए जो भी मार्कशीट उसको सेलेक्ट कर लें। इसका भी सर्वर इस टाइम स्लो ही चल रहा है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा ना, स्टेट के पास रोल नंबर कितना था 31,400, यही था ना, किस ईयर में पास हुए थे, बीस नहीं ना, फिर क्या करेंगे यहाँ से ओके। अब इतना ही बस आपको भरना है, फिर क्या कर लेना है, गेट डॉक्यूमेंट कर लेना, तो 2021 में था ना कोविड। अब चलिए देखिए यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट आ चुका है, इनका मार्कशीट आ चुका है यहाँ पर ना, आगे वेरीफाई ओके, डाउनलोड करना चाहते थे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते। अब समझ लीजिए जैसे हम जिनका आधार इसमें क्या किए लॉग इन किए हैं, वो आधार और नंबर जहाँ जहाँ लॉग इन किया गया बस वही हम कर पाए, अदर किसी का हम सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते, आ समझे ना। अब अगर जो मार्कशीट भी इशू करना तो हो जाएगा ना, अब वो आपको लग रहा है हमको डाउनलोड करना है, आपको ये एक ऑप्शन दिखा दिया किसका, डाउनलोड का, और यदि प्रिंट करना है तो बगल में ऑप्शन दिखा दिया किसका, हम यहाँ से क्या कर लिए डाउनलोड कर, साइलेंट कर लो तो अब यार करता रहेगा वो। अब देखिए जैसे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किया तो पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो लोकेशन हम दे दिए कहाँ पे, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप देने के बाद डाउनलोड नाम से हम क्या कर लिए सेव, हो जाएगा ना। अब जब आएंगे डेस्कटॉप पे तो ये आपको डाउनलोड नाम से दिख जाएगा, ओपन कर लीजिए इसको, हो जाएगा ना। तो अगर जो डिजी लॉकर यूज करना है तो कर ले जाएंगे ना, हाँ लेकिन याद रखिएगा डिजी लॉकर के लिए क्या क्या होना चाहिए, आधार नंबर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओटीपी जाएगा दो बार, एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा और दोबारा आधार नंबर वेरीफाई करेगा, आ समझे ना। और लॉग इन करते समय भी आपके पास क्या होना चाहिए, लॉग इन करने के लिए भी आपको सिक्योरिटी को जो सिक्योरिटी उसका है वो याद रहना चाहिए, जब सिक्योरिटी पिन याद रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, हाँ उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी पिन है तो उसके साथ साथ आपको याद रहना चाहिए उस पर क्या जाना जाएगा ओटीपी जाएगा, और जब ओटीपी भरेंगे तब जाके क्या कर पाएंगे लॉग इन कर। चलिए दूसरी चीज, यूजर नेम फॉरगेट हो जाएगा, जैसे देखिए आधार नंबर से एक बार लॉग इन कर लेंगे, और लॉग इन करने हमको कहाँ पे आना होगा, अकाउंट पे आ जाना होगा, तो यही पे दिखाई देगा मैनेज योर अकाउंट सेटिंग, अब इनका यूजर अकाउंट ये बना हुआ है ना, जब मैनेजर अकाउंट पे आएंगे देखिए यहीं पे दे रहा है कि इनका यूजर नेम बना हुआ है, दिख रहा है ना, उसके नीचे क्या है ये सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन अगर जो क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और जब नीचे आए तो ये बताएगा कि इनका जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ लिंक है, अमेजन में फ्री कौन सा है, हाँ जरोधा करके कोई दे रहा है, इनकी यहाँ या इनका अकाउंट क्या है लॉग इन,
और जो हटाना चाहते थे यहाँ से हटा भी सकते हैं और देखना चाहते यहाँ से देख भी सकते हैं। यूजर नेम बता रहे कि क्या नाम है इनका, यूजर नेम सूरज कुशवाहा। कहाँ से आए यूजर नेम पता चल रहा है ना, सबसे पहले कहाँ गए हम, अकाउंट, और अकाउंट के पास कहाँ गए, मैनेजर हो जाएगा ना। अब चाहे आप मैनेजर अकाउंट में आइए या फिर आप आ जाइए किस पे, माय प्रोफाइल। जब माय प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको सारा डिटेल दिख जाएगा, क्या नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और उसके आगे ईमेल एड्रेस। एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं, ये तो आपको यहीं पे बता रहा है कि नहीं ये जो डिटेल है वही डिटेल के साथ क्या है, वेरीफाई। और अगर जो एक और नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, नॉमिनी का मतलब पता है सबको ना, तो अगर जो ऐड करना है फिर कहाँ पे आ जाएंगे, एड नॉमिनी पे आ जाएंगे। और जब यहाँ आएंगे तो उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, रिलेशनशिप क्या रिलेशन है वो भर के फिर क्या कर लेना होगा, सब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो डिजी लॉकर में ट्राई करना लगभग सारा ऑप्शन तो कर ले जाएंगे ना। फोन में सर कैसे नहीं, जैसे देखो अगर हम लोग लॉगिन करने भी आ रहे हैं ना, सपोज करके हमको साइन इन करना है, जब आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है ना, वैसे सबसे पहले वहां पे यूजर नेम पूछे आर समझे ना, तो बगल में ऐसे चेंज करने का ऑप्शन दिया रहेगा, आधार नंबर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं जो भी करना हो जाएगा ना। और अगर जो नहीं है तो ब्राउजर से जाएंगे, ब्राउजर पे लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने से एक बार वहां पे यूजर अकाउंट देख, यूजर नेम देख लेंगे क्या दिया है, हो जाएगा ना। और जब एक बार यूजर नेम पता चल जाए तो फिर आप फोन से भी लॉगिन कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग डिजी लॉकर ट्राई करिए लोग। हाँ एक और था ना, डेगू करके कोई था क्या, डिजी लॉकर सर्विस पूछ रहा है। और देखो डिजी लॉकर सर्विस क्या है, ये बताएगा कि ये किस क्या क्या सर्विस आप इसका यूज कर सकते हैं। बस एक बना हुआ कौन सा ABHA आभा, जो एक बन रहा है इसमें आभा कार्ड, बस वही एक सर्विस है, इसमें बाकी और कोई सर्विस नहीं। और अबाउट डिजी लॉकर के बारे में बताएगा, क्या है डिजी लॉकर, जाना है तो क्लिक कर उसके बारे में बताएगा, पढ़ लो हो जाएगा ना। और एक और अभी ड्राइव हम लोग कौन सा, डेगू क्लाउड करके था ना, तो सर्च कर लेंगे क्या, पहले लिंक पे क्या करना होगा। अब जैसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अभी हम लोग को नया अकाउंट बनाना है ना, क्या करना होगा। हाँ नया अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ईमेल आईडी, तो जो हमारे कंप्यूटर में ईमेल आईडी लॉगिन है, हम यही ईमेल आईडी क्या कर लिए, लॉगिन कर, पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, फिर क्या करना होगा, क्रिएट अकाउंट, या फिर नीचे दिया साइन इन विद गूगल, गूगल से भी आप साइन इन कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से कर लेंगे कंटिन्यू, हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस एप्लीकेशन में भी अगर डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ देखिए अभी मात्र हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फ्री में यूज कर सकते हैं, कितना GB, बाकी अगर उससे अधिक चाहिए तो आपको क्या लेना होगा, प्रीमियम लेना होगा इसे। चलिए फिलहाल हम क्या कर दें, यहाँ पे गो टू फाइल, कहाँ पे क्लिक कर दिए, गो टू फाइल पे जब क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे, दिख रहा है ना। सबसे पहले क्या बनाएंगे, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे देंगे, क्या दे दें, चलिए सर फोटो लिख देते हैं। अब रही संसारी को इसमें स्टोर नहीं करेंगे ना, फोटो को स्टोर करेंगे ना, इसको ओपन कर लेना होगा। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना, अपलोड करना है ना, तो कहाँ पे आएंगे, अपलोड पे आ जाए। और जब अपलोड पे आएंगे तो क्या फाइल या फोल्डर, फाइल ही ले लेते हैं, और एक कोई फोटो हम क्या कर दें, यहाँ से सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे है कोई, चलो ये डाउनलोड वाला भी अपलोड कर देते, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, ओपन, अपलोड हो जाएगा यहाँ पर ना। तो अगर जो इस पर भी कोई अपलोड करके रखना हो तो रख सकते हैं ना। हाँ लेकिन याद रखिएगा इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं, बाकी और इसमें कोई काम नहीं कर सकते। हाँ ये भी सिक्योर। फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे, अकाउंट पे आएंगे, जब अकाउंट पे आएंगे तो बताएगा सेटिंग करना है कि अपग्रेड करना है या हेल्प चाहिए या फिर लॉगआउट करना होगा। सेटिंग करना तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेटिंग, जब यहाँ आएंगे तो कह रहा है ड्रॉप बॉक्स जो है उसको अपग्रेड करना है, प्लान को तो यहाँ ले लीजिए, अन्यथा आपको कितने GB का मिला हुआ है, कितने GB का,
पीसीबी का। और यदि आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो भी दे रहा है, कह रहा है यू कैन गेट 500 GB एक्स्ट्रा स्पेस फॉर फ्री। हाँ, जब यहाँ पे आएंगे गेट एक्स्ट्रा स्पेस पर ना, तो आपको इसमें क्या करना होगा, कुछ अकाउंट डिटेल भरना होगा, और डिटेल भरने के बाद से वो जो पेमेंट मांगा पेमेंट करना होगा। अगर इनवाइट ईमेल, यदि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं तो पर फ्रेंड कितना बनेगा, यानी कि 5 GB है लिमिट इसका, एक पे कितना मिलेगा आपको 250, कितना पर फ्रेंड। तो इनवाइट करना चाहते हैं किसी और पे तो कर लीजिए, और नहीं तो कह रहा वॉच एड, यदि आप एड देखेंगे तो कितना मिलेगा 750। और यदि आप अपग्रेड प्लान करना चाहते हैं तो कितना 5000 GB, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मंथली पेमेंट इतना डॉलर करना होगा, दिख रहा है ना। अब डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, पता है कैसे कन्वर्ट करना होता है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा कैलकुलेटर, क्या दिखेगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जब आएंगे तो आप क्या करिए, यहाँ पे जब आएंगे तो स्टैंडर्ड को हटा क्या सेलेक्ट कर लेंगे, करेंसी, और जब करेंसी में आएंगे तो ऊपर रख लीजिए डॉलर, और नीचे क्या रख लेंगे इंडियन रुपीस सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर लिखना कितना है 249.37 क्या होगा, मंथली प्लान होगा इस, हो जाएगा ना। तो लगभग और जिसमें भी डेटा स्टोर करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग क्या करेंगे, लगभग लगभग सारा क्लाउड का एप्लीकेशन ट्राई कर लेंगे, और अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब डिजाइनिंग, स्टार्ट करना हम लोग को वेब डिजाइन। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।